प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है, उससे भी अनेकों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। आज देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से भारतीय कंपनियां सैकड़ों नए विमानों को खरीद रही हैं, उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली जैसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ सर्विस सेक्टर का एक बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। लेकिन उनमें या तो मुआवजे से जुड़ी समस्याएं रही या फिर सालों साल वो जमीन बेकार पड़ी है। हमने किसान हित में, प्रोजेक्ट के हित में, देश के हित में इन अड़चनों को भी दूर किया। हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासन किसानों से समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि खरीदे और तब जाकर 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का आज हम भूमि पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, आज हर सामान्य देशवासी के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। देश का आम नागरिक हवाई सफर कर सके, ये सपना भी आज उड़ान योजना ने सच कर दिखाया है। आज जब कोई साथी खुश होकर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड्डे से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई यात्रा की है, जब वो अपनी फोटो को साझा करता है, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास सफल है। मुझे खुशी है, अकेले यूपी में ही बीते वर्षों में 8 काम चल रहा है। भाई और बहनों, बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। कुछ समय पहले ही भारत ने कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना, खुद का, परिवार का विकास, जबकि हम राष्ट्रीय प्रथम की भावना पर चलते हैं। वहीं सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने के लिए किसानों का भी धन्यवाद किया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के विकास के लिए 1,334 हेक्टेयर यानी लगभग 3,300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके निर्माण के लिए ग्लोबल बिडिंग के माध्यम से एविएशन सेक्टर की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG का भी चयन किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास 2 स्टेज में किया जाएगा। प्रथम स्टेज में ये एयरपोर्ट 2 रनवे का होगा, जो दूसरे स्टेज में बढ़कर 5 रनवे का हो जाएगा। 2 रनवे का ये एयरपोर्ट 70 मिलियन यानी 7 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता का होगा तथा इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे। यात्रियों की क्षमता की दृष्टि से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास 4 चरणों में होगा।
प्रथम चरण में वर्ष 2023 और 24 में 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 यात्रियों की वार्षिक क्षमता का ये एयरपोर्ट प्रारंभ में एक रनवे का होगा, जो वर्ष 2031 में बढ़कर 30 मिलियन यानी 3,00,00,000 यात्रियों की वार्षिक क्षमता का और 2 रनवे का हो जाएगा। वर्ष 2036 में ये 50 मिलियन और वर्ष 2040 में 70 मिलियन यानी 7,00,00,000 यात्रियों की वार्षिक क्षमता का हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रथम चरण वर्ष 2023-24 में जनता को समर्पित होगा और यहां से पहली उड़ान प्रारंभ होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अपेरल पार्क आदि सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ और नोएडा भी इस क्षेत्र के निकट हैं। दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब तथा बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संपूर्ण क्षेत्र औद्योगिक और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। टाइम 24 न्यूज़ के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।